हेलो दोस्तों, 70 दिनों के बाद आखिरकार डोकलाम विवाद खत्म हो गया है। दोनों देश डोकलाम से अपने अपने जबान हटाने को राजी हैं। हालांकि सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते चीन ने डोकलाम विवाद पर अपनी स्थिति को लेकर दोबारा विचार किया और इस मुद्दे को हल करने पर सहमत हुआ। नंबर 1, ब्रिक्स समिट नाकाम होने का डर। चीन में 3 से 5 सितंबर तक ब्रिक्स समिट होना तय है। डोकलाम विवाद के चलते इसकी सफलता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। ये आशंका थी कि पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट से किनारा कर सकता है। डोकलाम विवाद के चलते चीन शर्मिंदा हो सकता है क्योंकि उसे विवादित क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने वाले के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में इसे सुलझा कर वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। नंबर 2, वर्ल्ड लीडर्स का नहीं मिला सपोर्ट। डोकलाम मुद्दे को लेकर चीन डिप्लोमेटिक मोर्चे पर नाकाम साबित हुआ। इसे लेकर उसने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन भारत के मुकाबले वो वर्ल्ड लीडर्स को अपनी तरफ करने में कामयाब नहीं हो सका। यूके और अमेरिका ने चीन को कूटनीतिक और द्विपक्षीय तरीके से इस मसले को सुलझाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, इसके बाद जापान ने भी चीन को डोकलाम में अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाला बता दिया। चीन ने नेपाल का साथ लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी डोकलाम मुद्दे पर न्यूट्रल रहा। नंबर 3, कूटनीतिक तौर पर इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ डोकलाम। डोकलाम में चीन के जवान निचले मैदानों में थे, जबकि भारतीय सेना ऊंचे पहाड़ों पर मोर्चे संभाले थी। इसके अलावा यह चीन की नज़र कंट्रोलिंग पोजीशन में पहुंचकर भारत के चिकन नेक पर सामरिक बढ़त पाना था। चीन डिप्लोमेटिक और सामरिक दोनों ही मामलों में नाकाम रहा। डोकलाम में चीन फायदे की स्थिति में नहीं था क्योंकि यह अगर मिलिट्री एक्शन का कदम उठाता तो वो इसे वेस्टर्न सेक्टर में नहीं बढ़ा सकता था। वो इसलिए क्योंकि पीयूके में चीन ने $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर 4, सीपीसी का कमान फिर मिलने की उम्मीद। आने वाले महीनों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की 19वीं नेशनल मीटिंग होनी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को उम्मीद है कि सीपीसी के महासचिव के तौर पर उन्हें 5 साल का दूसरा कार्यकाल मिलेगा। ऐसे में अगर डोकलाम का मुद्दा खींचता तो उनकी मुश्किल और बढ़ सकता था।